मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। लखनऊ में इसी तरह पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति के त्योहार को मनाया जाता है। पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का संकेत माना गया है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आज लोग मैदान में पतंग उड़ाते दिखाई दिए। अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ कई लोग खुशियां मनाते न सिर्फ दिखाई दिए बल्कि गजक खाकर उन्होंने आपसी सौहार्द बनाते हुए भी दिखे। चिन्हट के बीबीडी टेरा क्रॉसिंग के ग्राउंड पर कई पतंगबाज रंग बिरंगी पतंग व रील के साथ अलग अलग अंदाज में दिखे। टीम में कई अनोखे पतंगबाज अपनी पतंगबाजी के लिए माने जाते हैं। ऐसे में कई पेच लड़ाकर उन्होंने मस्ती भरे इस पल को खूब शान से आज मनाया। क्या कुछ कहना है पतंग की इन खिलाड़ियों का, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, यहाँ तक इतनी खुशी है कि देखिए कितने मेंबर आए हुए हैं, ढेर सारे। आज खुशी का दिन है, आज सभी लोग त्योहार मना रहे हैं पतंगबाजी का और अच्छे से पतंगबाजी हो रही है। खिचड़ी वगैरह खा के हम लोग आए घर से रास्ते से भी खाइए, घर से भी खाइए। और बस अभी शुरुआत में हवा नहीं थी थोड़ी, इसकी वजह से पतंगबाजी हो नहीं पा रही थी। अब हवा आई है तो इसकी वजह से पतंग अच्छी लड़ रही है। सभी मेंबर देखे, सभी के हाथों में पतंग है और सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं अच्छे से। मज़ा आ रही है सभी लोगों को। यहाँ तक ये स्कोर का गेम होता है, फिर हम लोग स्कोर करते यही तरह चला करता है। ये बताइए, मकर संक्रांति आज आप लोग पतंग उड़ा रहे हैं जी, कितना ज़्यादा उत्साह है, कितनी खुशी है? इस चीज़ का बहुत इंतज़ार रहता हम लोगों को मकर संक्रांति के दिन, कि क्या कहते हैं कि सब लोग यानी बढ़िया आराम से आज के दिन बढ़िया खिचड़ी खाते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना पतंगबाजी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज के दिन पतंग उड़ाएंगे। कभी कभी ये होता है कि क्या कहते हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन हवा नहीं होती और फिर शौक नहीं हो पाता है, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन बहुत अच्छी पतंग लड़ रही है, सब लोग अच्छे से शौक कर रहे हैं। और सभी हमारे जितने भी भाई लोग हैं हर जगह अपना चौक पर देखिए, वो घंटाघर के पास में उत्सव भी लगा हुआ है पतंग का, आपने देखा होगा बहुत अच्छी पतंगबाजी हो रही है। और आप देख लीजिए हमारी अपूर्ण टेंट उधर खड़ी हुई है। ये बताइए मकर संक्रांति आज पतंग उड़ा रहे हैं जी, किस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं और कितना इंतजार है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़ा बनता है त्यौहार, हम लोग हर साल यही बनाते हैं कि मतलब जो है बहुत अच्छे से हम लोग का जो है पतंग का जो शौक होता है मकर संक्रांति का, बहुत अच्छे से मतलब ठीक ठाक रहा है, ऊपर वाला सबको जो है ये तालीम दिए रहे पतंग लड़ाने की। जितने भी मेरे ऑल इंडिया के भाई हैं या फिर हमारे लोकल नखलाऊ के भाई हैं, ठीक ठाक लड़ाते रहे बस हमसे। मकर संक्रांति का तो जो है हम लोग बहुत समय से इंतज़ार करते हैं, पूरा साल बीत जाता है और साल जैसे बीतता है जिस दिन मकर संक्रांति होती है ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा शौक हो हम लोगों को पतंग का। और हम लोग तो प्रोफेशनल हैं पतंग की दुनिया में और बहुत ही मतलब सुकून से मिलाते हैं कि जो है कोई किसी की झगड़ा ना हो, कुछ कुछ भी ना हो। और चाइनीज़ मांझे का जो है हम बहिष्कार करते हैं और जहाँ तक सभी से अपने पतंग भाइयों से पतंगबाजे भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी अगर बिकता भी अभी दिख जाए तो आप जो है वहाँ पे फोर्स लेके या पुलिस लेकर के आप पहुँच जाइए, उस मांझे को बैन करवाइए, उस दुकान को बैन कराइए, ठीक है? यही मेरी दुआ रहती है। बाकी आज जो है बहुत अच्छा दिन है, हम सभी लोग सर सारे भाई हमारे पतंगबाज हैं और पतंग का बड़ा महत्व देते हैं, इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है।